शिक्षा विभाग की लापरवाही वाली तस्वीरें सामने आती हैं। इसके बावजूद सुधार को लेकर ऐसा लगता है कि कोई कार्रवाई ही नहीं होती। जी हाँ, बिहार के भागलपुर से एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने नीतीश सरकार पर एक बार फिर से सवाल उठा दिया है। दरअसल भागलपुर के कई विद्यालयों में मैट्रिक परीक्षा 2023 को लेकर सेंटर परीक्षा हो रही थी, जहां नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरीके से बच्चे किताब देखकर अपनी कॉपी भर रहे हैं। दरअसल मामला जिले के नाथनगर स्थित राजकीय इंटर स्तरीय कन्या विद्यालय का है। मंगलवार को 10वीं कक्षा की छात्राएं सेंटर परीक्षा दे रही थी। इस दौरान वे खुलेआम नकल करती दिखी। एक बेंच पर 5 से 6 छात्राएं बैठी थी। कमरे में 100 से अधिक छात्राएं थी। वहीं जिन्हें बेंच पर जगह नहीं मिली, वो तो नीचे बैठकर परीक्षा देती भी नजर आई। जब इसको लेकर विद्यालय की प्राचार्य माधुरी कुमारी से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि स्कूल में छात्राओं की संख्या ज्यादा होने के कारण एक बेंच पर 4 की संख्या में परीक्षार्थियों को बैठाया गया है। नकल कोई नहीं कर रहा था। हाँ, जितना जगह है उसमें बैठा है। यहाँ जगह की कमी है? जगह की कमी तो है ही, हर बार लिखा जा रहा है जो जगह जितना है उसी में काम कर रहा है, तो जगह नहीं बनेगा। दिखा देते हैं। कहीं नहीं, गलत बात। बहरहाल बिहार से इस तरह की घटना सामने आना पहली बार नहीं है। कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसको लेकर भी बिहार के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से भी कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था की पोल खोलने के बाद भी सुधार नहीं किया जाता, तो सवाल बहुत बड़ा है कि ये परीक्षा है या फिर कोई खिलवाड़।